बच्चे, लास्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका शुरू किया था। ठीक, एंड आप सबको याद होगा कि इन द लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू चेक द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस और नॉट, एंड वी हैव लर्न्ड एवरीथिंग अबाउट क्वाड्रेटिक। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज सॉल्यूशन। देखो, मेन तो हमारे पास ये है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो आपको ये तो पहले बताया गया था कि कौन, किसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशंस। ओके, और उस सॉल्यूशंस में रूट्स होते हैं, हाउ मेनी रूट्स आर देयर, और ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। एंड टुडे वी आर प्रैक्टिकली फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसमें जो बच्चे सबसे पहला मेथड आता है, मेथड तो कई है बट द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? फैक्टराइजेशन। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है फैक्टराइजेशन, बट फिर भी मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन। ओके, फर्स्ट मेथड देखिए, इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास सेकेंड मेथड क्या आएगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड मेथड क्या आएगा, जिसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। ओके, तो ये हमारे पास आगे आगे चलते जाएंगे हम। इन देखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सेम होगी बट उसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएंगे, मेथड्स हो जाएंगे। तो वी आर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। तो मेरा आज का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। उसी के साथ ही मैं दूसरी चीज को भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दोनों के साथ मैं आपको यहां पे सॉल्व करना बताऊंगा, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे चलेंगे। ठीक, और इसमें जनरल थिंग्स भी होंगी, फिर उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट समझ लेंगे। तो चेक कीजिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आप, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो आप मेरे को मैसेज सेंड करेंगे यस और नो, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और मैं अभी सबको अनम्यूट भी कर रहा हूं, सेंड मी यस और नो। ओके, वेरी गुड, ये आप सबको जगाने के लिए था। ठीक है, तो आप देखिएगा, दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने नाइन्थ क्लास में फैक्टराइजेशन की थी बच्चे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसी के साथ जा रहा हूं, हाउ वी कैन फाइंड आउट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो बी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री, और फिर आपने ए और सी की प्रोडक्ट की दैट इज इक्वल टू माइनस टेन। मैंने इस बी को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसकी प्रोडक्ट तो माइनस टेन हो बट उसका सम या डिफरेंस किसके इक्वल रहे, माइनस थ्री के ही इक्वल रहे। तो एक बेस्ट पार्ट इसमें यह हो सकता है बच्चे, माइनस फाइव प्लस टू, समझ रहे हो ना कैसे, माइनस फाइव प्लस टू, वेरी गुड, जिन्होंने इसको सॉल्व किया। तो अब मैं इसमें सिंपल सी बात करूंगा, आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज आपने ऑलरेडी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मेट किया हुआ है। नाउ वी मेक द पेयर
फर्स्ट टू पेयर एंड लास्ट टू पेयर. ओके, चेक, टेक एक्स कॉमन, इट बिकम्स एक्स माइनस फाइव. टेक टू कॉमन, इट बिकम्स एक्स माइनस फाइव. एक चीज आपने और देखी होगी कि यू विल फाइंड कि आपका ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए. ओके, और अगर आप सही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये ऑलवेज सेम होगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टेक दिस एक्स माइनस फाइव एज कॉमन. एक्स माइनस फाइव को कॉमन लीजिए, वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. यू गॉट एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड यू गॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. अब मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हमने ऐसा लेना जरूरी है. नो बच्चे, आप इसकी फैक्टराइजेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अगेन मेक द फैक्टर्स, मैक्सिमम कॉमन थिंग एक्स, व्हाट इज लेफ्ट, एक्स प्लस टू. मैक्सिमम कॉमन थिंग माइनस फाइव एंड लेफ्ट ओवर फैक्टर एक्स प्लस टू. नाउ टेक दिस एक्स प्लस टू एज कॉमन एंड एक्स माइनस फाइव इज लेफ्ट. नाउ व्हाट वी कैन से, पुट देम इनटू इक्वल. और ये आपके पास क्या हो गया बच्चे, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, हो जाएगा ना. चलिए अभी आप सारे अलर्ट हो जाइए, आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आएगा तो आपने उस स्क्रीन पे पोलिंग करनी है, ठीक है. एंड वी विल चेक आप में से कितने बच्चे अभी जाग रहे हैं, कितने अभी सोए हुए हैं और कितनों ने अच्छी तरह से इसको रीड कर लिया. एंड हियर इज द क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपने स्क्रीन पे ही टच करके उसको आंसर कर देना. चेक कीजिए, वेरी गुड. बहुत अच्छे, आई गॉट 125 responses. वेरी गुड. वेरी गुड, बहुत अच्छे. एंड चेक द आंसर, बच्चे देखिए सबसे ज्यादा आंसर दिया है डी को. डी में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन. और ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत ऑप्शन है. ओके, जो सही ऑप्शन है वो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो देखिए ये हो गया क्यूबिक, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ओके, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक. ये तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कंप्लीट नहीं है बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. सॉरी, इसका सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी था, इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन के साथ आइए जल्दी से. बताइए ये किस टाइप की क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है. वेरी गुड, आई थिंक सभी को पोल मिल रहा होगा.
वेरी गुड। सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए अभी मैं चेक करता हूं बच्चे, आंसर बाद में शो करूंगा। सी दैट वी कैन सॉल्व इट राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट एंड हेयर इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यू विल सॉल्व इट एंड व्हाट यू विल गेट, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सी टाइप की क्वेश्चन हुई? दिस इज कॉल्ड लीनियर। क्या हुई बच्चे? इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके, और ये रखिए आपका रिजल्ट। So I am sending a cup of tea to B, C and D candidate. ठीक, और साथ में उनको कह रहा हूं कि जागो मौन प्यारे। ओके अक्षित, जाग जाओ। तो दिस इज द वे वी विल सॉल्व इट। ओके चलिए वापस आते हैं। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। ये हमारे पास क्या था? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मेट था। इसमें इजी भी आएंगे बच्चे क्वेश्चन, डिफिकल्ट भी आएंगे। ओके जैसे अभी देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया 4√3x2, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू जीरो। पहले तो आप चेक करेंगे, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो इसमें हम कैसे चलेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो देख लीजिए बच्चे। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो मैंने आपको कहा था कि पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -24। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा ये कैसे हो गया। ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका जो स्प्लिटिंग पार्ट है बच्चे वो क्या है? 5 है। स्प्लिटिंग पार्ट जो है आपका क्या है? 5 है। आपने 5 को इस तरह से ड्राइव करना है कि उसका सम तो 5 है बट उसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए? -24 आ जाए। वी कैन सॉल्व That part of the questions. तो देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास बड़ा सिंपल सा ऑप्शन होता है बच्चे, 8 and 3। 8 into -3 -24 and 8 minus 3 क्या होगा? 5। तो we can simply write it as 4√3x² plus 8x. This is called splitting the middle term. Okay, now we make the pairs, first pair and second pair. So first pair में आपके पास क्या होगा? 4x common, you will get √3x + 2. अब देखिए next pair में आपके पास क्या होगा? देखिए next pair बड़ा interesting है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? √3 and √3। देखिए एक तो नेगेटिव कॉमन आएगा, और जैसे ही आपने इस 3 को √3 into √3 लिखा तो यू विल गेट √3 एज कॉमन। व्हाट लेफ्ट? √3x + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? 4x - √3 √3x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 4x - √3 इज इक्वल टू 0
एंड अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व इट. 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 4. एंड यहां पे आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अंडर रूट 3. दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. ओके, तो इस फैक्टराइजेशन को हम यहां पे डिफाइन करते हैं. यस शर्मा. गुड मॉर्निंग सर. सर व्हाट इज बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन? बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है बच्चे जिसकी डिग्री 4 होती है, हाईएस्ट डिग्री 4 होती है. ओके सर. और जिसकी 5 होती है दैट इज कॉल्ड क्वांटिक, जिसकी 3 होती है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, जिसकी 2 होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, और जिसकी 1 होती है दैट इज कॉल्ड लीनियर. हमारे पास थर्ड तक आती हैं, बट इन डिग्रीज के नाम अप टू 10 तक है, हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं. ओके हिमांशु सर, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन सर. ओके, आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? तो काफी कैंडिडेट को आ रही होगी, सो दैट आई कैन चेक दैट. आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है इसके? सर एक बार सारे रिपीट कर दो सर, अगर रूट 3 के वजह से सर थोड़ा सा कंफ्यूजन. देखो पहली बात तो ये, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाउ वी कैन क्रिएट, हाउ वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था? नो सर, नो सर. ओके, तो हमने स्प्लिटिंग की. स्प्लिटिंग करने के बाद डेफिनेटली हम इसको टू पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करते हैं. ये ब्रेक हो गया. अब हमने क्या किया कि फर्स्ट टू पार्ट्स में जो मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, मैक्सिमम कॉमन वो कॉमन ले लेते हैं. देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता था इसमें? मैक्सिमम कॉमन हो सकता था 4 एंड 1x. तो हमने 4 एंड 1x को कॉमन लिया और इसमें जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको लिख दिया अंडर रूट 3 एंड x. और इसमें से भी जब हमने 4x कॉमन लिया तो 2 हमने यहां पे लिख दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इस पार्ट में आ जाइए. इस पार्ट में आपको नेगेटिव तो क्लियरली दिख ही रहा है कि नेगेटिव तो कॉमन आएगा ही आएगा. अब आप एक चीज देखिए, इधर है 2 अंडर रूट 3 और इधर है अंडर रूट 3x. x तो कॉमन आने वाला नहीं है, तो आपके पास जस्ट टू वैल्यूज हैं, 3 और दूसरी तरफ है 2 अंडर रूट 3. तो व्हाट इज कॉमन? आप सबको पता है कि दिस 3 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3. तो इसमें से अंडर रूट 3 क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है. तो मैंने ये अंडर रूट 3 क्या किया? कॉमन ले लिया. और जब इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन आ गया तो वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट 3x प्लस 2. और ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ये दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो ये सेम होने की वजह से हमने आप उनको क्या कर लिया? कॉमन. और उसके बाद जैसे ही ये फैक्टर बने तो अब हमारा काम तो नेक्स्ट वाला क्या होता है? पुट देम इक्वल टू 0. ओके, ये आपके पास एक सिंपलिस्टिक सी फॉर्म. अब देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सिंपल फ्रेम में क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस मिलती रहें, ठीक है? ये थोड़ी सी क्या हो सकती है? हैवी भी हो सकती है. हैवी होने का मतलब क्या है? चेक कीजिए. जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी x माइनस 1, फिर मैं सेकेंड मेथड पे आऊंगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. ओके इज इक्वल टू 2. अब वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए. सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा लास्ट लेसन की तरह कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट. यानी आपको इसको किस फॉर्म में लेके आना होगा? दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. और एक चीज और देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए थोड़ा सा आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए ये है x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और ये है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. रेसिप्रोकल हो गए ना. तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि इसको इजी कर लो. x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 को किसके इक्वल रखो? y के. दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबल. तो जैसे ही आप y रखोगे तो ये तो हो जाएगा y और ये वाला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y. और ये किसके इक्वल चला गया? 2 के. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो. तो व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. ठीक. अब आपको पता है ये क्या बन गया? y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो आगे वाला ये स्टेप क्या हो जाएगा?
y माइनस वन स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो आपके पास बच्चे y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू वन, ये सेम वैल्यूज है. अब देखिए हम इसको रिड्यूसिबल कैसे बोलते हैं या कब क्या बोलते हैं. अब देखिए y की वैल्यू आपने वन फाइंड आउट कर ली, पुट दिस वन इक्वल टू दिस वन, क्योंकि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन तो x में है. तो वी कैन से, वी कैन राइट x माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन. फिर इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन. नेक्स्ट वाले फॉर्मेशन को लेके आइए, x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू टू. तो एट द एंड आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाए. गॉट इट? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, यानी देख के नहीं आपको पता चलेगा, आप इसमें से कुछ इस तरह का फाइंड आउट करेंगे. यस विकेश. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम एलसीएम से करते, बिल्कुल करते, बिल्कुल यू विल गेट द सेम आंसर. कर सकते थे बच्चे, पर वो लेंथी हो जाता है. कर सकते हैं आप, ट्राई करना, यू विल गेट द सेम आंसर. ओके सर. वैभव. गुड मॉर्निंग सर. बच्चे रूट्स को ही सॉल्यूशन बोल देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. गुड मॉर्निंग सर. सर जो आपने अभी ये x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन की वैल्यू निकाली वन, तो उसको आपने फिर x माइनस जो नीचे x माइनस वन में कैसे पुट किया इक्वल टू टू एक्स प्लस वन. बच्चे ये देखो, हमने ये सपोज किया हुआ था ना कि x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन किसके इक्वल है, y की इक्वल है. तो y की वैल्यू जैसे ही 1 आई तो मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर. वी लक्षण. सर y x क्यूब माइनस 9 इज इक्वल टू y x क्यूब माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर. x क्यूब x square minus 9 which you said before. X square minus 9, this is a quadratic question. How sir? Because it has degree 2. Okay sir. Okay. हाँ, ये complete quadratic नहीं है. It is a quadratic question. So then what will be the value of B and C sir? हाँ, if you can write it, we can write it as x square plus 0x minus 9 is equal to 0. तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9. ओके सर. ओके जैस्मीन. सर आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी हैड टू पुट इट इनटू द इक्वेशन. नो 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 नीड. इफ ही आस्क यू टू वेरीफाई देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं. अगर वो कहे कि वेरीफाई द आंसर देन यू हैव टू सॉल्व इट. अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे. ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है. अब देखिए ये वाला क्वेश्चंस, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन अपॉन बी एंड प्लस वन अपॉन एक्स एंड ही सेड सॉल्व इट. अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं. और जैसे ही हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अभी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि सर कैन वी टेक द एलसीएम. यू कैन टेक द एलसीएम बट आई थिंक थोड़े बहुत इसमें आपको ट्रिक सीखने पड़ेंगे कि हाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस. अब देखिए कैसे मैं इस वन अपॉन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में टेक करूंगा. तो व्हेन आई एम टेकिंग दिस वन, तो वी विल गेट ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एंड हेयर इज वन अपॉन ए वन अपॉन बी. ओके ये हमारे पास वैल्यूज है. नाउ आई एम टेकिंग द एलसीएम ए प्लस बी प्लस एक्स एंड हेयर इज एक्स. ओके टेक द एलसीएम, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बी प्लस. राइट हैंड साइड का हमने एलसीएम ऐसे कर लिया. अब लेफ्ट हैंड साइड में आप एलसीएम करेंगे तो यू विल गेट एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स. बच्चे चेक कीजिएगा एंड नोट कीजिएगा, ये x और ये
एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ऑन द अपर एंड यू विल गेट ए प्लस बी, ऑन द लोअर एंड यू विल गेट ए प्लस बी प्लस एक्स एंड एक्स, एंड ऑन द दिस एंड यू विल गेट बी प्लस ए अपॉन ए बी. एक चीज और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, ये ए प्लस बी और ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस ए बी, एंड ऑन दिस साइड यू विल गेट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. चेक इट. अब मैं इस पूरी क्वेश्चन को एक साइड में करके स्टैंडर्डाइज फॉर्म में चेंज करता हूं, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो. ये स्टैंडर्डाइज होगी. थोड़ा सा शॉर्ट चल जाता हूं तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहा हूं मैं. अब आप देखिए ये ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया. कैसे? फर्स्ट टू एंड सेकेंड टू. तो फर्स्ट टू में कॉमन कीजिए x, यू विल गेट x प्लस a. सेकेंड टू में कॉमन कीजिए b, यू विल गेट x प्लस a. दिस इज इक्वल टू जीरो एंड अल्टीमेटली यू विल गेट x प्लस b एंड x प्लस a. Which is equal to zero, and you will get x minus b is equal to x minus sorry and x minus. These are the solutions or roots of this equations. अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं इसको directly कर सकता हूँ? You can do it directly, but it will take lot of time. अगर आप short कर सकते हैं, देखो हमने कितनी terms इसमें reduce की. A plus b क्या हो गया? Reduce हो गया. वन टाइम एक्स रिड्यूस हो गया. तो इस तरह से ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चंस. ओके, यस प्लीज, यस निधि. सर इसको माइनस कैसे हुआ, माइनस ए भी कैसे आया? बच्चे ये देखो ये आगे क्या लगा हुआ है, कौन सा साइन है? माइनस है ना, माइनस. यस सर. तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स. इसी वजह से तो एक्स कैंसिल हुआ. ओके, नोकिया. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम बच्चे? सर मेरा नाम जशन प्रीता. ओके, वेरी गुड. कहाँ से बोल रहे हो जशन? सर मैं होशियारपुर से बोल रही हूँ. वेरी गुड, तो फिर आप होशियार भी हो गए है ना. हाँ जी सर. चलिए बोलिए. सर जो आपने नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लाई की थी वहां मुझे थोड़ी मेनू थोड़ी जो तो कंफ्यूज हो रही है. बोलो बच्चे किस तरह से. चलिए मैं आपके लिए दोबारा से परफॉर्म करता हूं. जैसे ये a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हुआ तो व्हाट इज लेफ्ट, माइनस वन, एंड लोअर एंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इट बिकम्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, एंड ऑन द राइट एंड यू विल गेट वन अपॉन ए बी. ये मैंने इस स्टेप को सिंप्लीफाई करके लिख लिया. ओके, अब आप देखेंगे मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा माइनस ए बी, एंड ऑन दिस एंड यू विल गेट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. अब बताओ. नो सर, ठीक है. ठीक, तो कई बार हम शॉर्टकट कर जाते हैं, ये मैथ के टीचरों को ना बुरी आदत होती है. ठीक है, चलो. हाँ अब आ जाएगा समझ? हाँ जी सर, आ जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. ओके, ये बच्चे हमने जो अभी मेथड किया दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, आप भी करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी है. अगर आप अपनी एक्सरसाइज में से करना चाहें बच्चे तो यू हैव अ एक्सरसाइज 4.2 जिसको आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी में से. एक्सरसाइज 4.2. अब मेरे पास में नेक्स्ट मेथड की ओर मूव कर रहा हूं. देखिए मैं ऐसे नहीं रुकूंगा, हम अलग अलग मेथड्स को ट्राई करेंगे. एंड माय नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. चेक कीजिए बच्चे, मेरा नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. पहले मैं मेथड कंप्लीट करूंगा फिर हम आपके एनसीईआरटी में आएंगे. हालांकि लास्ट ईयर ये सिलेबस में से कैंसिल हो गया था, ठीक है, बट अभी हमें कुछ नहीं पता,
तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट। तो इस मेथड को समझिएगा, देन वी कम टू नेक्स्ट वन। ठीक, हम बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है। बच्चे ये लास्ट ईयर नहीं था, ओके, एंड ये आप सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है। अभी चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, ओके, लेट अस स्टार्ट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके आदर्श, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ इज द वेदर देयर? वेरी नाइस सर, वेरी गुड वेदर, वेरी हॉट। हॉट? यस सर। एंड यू आर इन विच सिटी? सर आई एम इन दमाम। ओके, इन सऊदी? यस सर, इन सऊदी। एंड टेम्परेचर? That I don't know, sir. I know it's hot. Hot means around 50? Yeah, no, below 50, sir. Okay. Chaliye. Let us start. So now we are starting with the completing the square. Okay. And what is that, completing the square? Dekhiye, method wohi hai. But how we can do this? Wo check kijiye. Okay. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड का प्रोसीजर देखिए कि ये प्रोसीजर क्या होता है। वी हैव अ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेक द लीडिंग कोफिशियंट यूनिटी। जो भी आपका लीडिंग कोफिशियंट है उसको यूनिटी बनाना होगा। यूनिटी बनाने का मतलब है कि डिवाइड द होल टर्म विद ए। तो जब आप इसको ए से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट एक्स स्क्वायर, वी गॉट बी अपॉन ए एक्स एंड वी गॉट सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। हो गया ना? तो सबसे पहले आपको ये करना होगा। देखिए, इसके दो मेथड है बच्चे, एक तो मैं आपको एबीसी से समझाऊं और एक मैं आपको सिंपल इक्वेशन लेके समझाऊं। तो आई कैन स्टार्ट विद द इक्वेशन। तो आज का मेरा मैं फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। ओके, दिस इज द मेथड जो मैंने किया था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एंड दिस वन। इसी मेथड को मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को मैं कट कर रहा हूं और इसको कट करके दोबारा से इसी के साथ स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, हमने इसको कट किया और इसी को दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक, विद द हेल्प ऑफ, ये हो गया मैजिक। ओके, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो ऑलरेडी देखिएगा, इसमें तो ऑलरेडी क्या है, लीडिंग कोफिशियंट वन है, तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इसको समझ लीजिएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो आपकी नेक्स्ट टर्म होती है उसको भी आप एज इट इज लिखेंगे और जो आपकी कांस्टेंट है उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। फर्स्ट प्रोसेस। अब आप देखिए, जो आपका एक्स का कोफिशियंट था दैट इज थ्री, ये थ्री हो माइनस थ्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको टू से डिवाइड कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट नाइन बाई फोर। ओके, अब आप इसको नाइन बाई फोर एड करेंगे ऑन बोथ साइड। बच्चे, मैं इसका क्यों का आंसर अभी दूंगा, पहले आप मेथड सीख लीजिए। ठीक है, क्यों, वाई, कैसे, ये सब आंसर आएंगे अभी। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे बच्चे, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इट विल कम एज कंप्लीट। देखिए, ये किसका कंप्लीशन होगी, एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर होगी। चेक कर लीजिए, इसलिए ये किया जा रहा था। ओके, अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 49 अपॉन 4। जब आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू और इसका अंडर रूट होगा 49 अपॉन 4 का, तो यू विल गेट प्लस माइनस 7 बाई टू। हो जाएगा ना? तो what we can do round, we can write x minus 3 by 2 is equal to 7 by 2
x minus 3 by 2 is equal to 7 by 2. एक बार प्लस का और एक बार माइनस का. नाउ सॉल्व इट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 7 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 एंड यू विल गेट 10 बाई 2. 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5. नाउ राइट इट देयर. x माइनस 7 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2. देखिए सेम आंसर आया जो हमने पहले किया था. And this method is called completing the square. Everywhere it can be applied. मैं आपकी सारी क्वारीज को आंसर करूंगा बट मेरे को एक क्वेश्चन और कर लेने दीजिए बच्चे. एक क्वेश्चन और. ओके जिनको थोड़े बहुत डाउट हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में उनके डाउट क्लियर कर दो देन आई कम टू योर क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन को सॉरी इस टाइप के क्वेश्चंस को कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. हियर इज द क्वेश्चन. 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0. This is my second question. Okay? Yes, Jigyasa. So, why we took 3 upon 2? उसी का आंसर कर रहा हूं बच्चे. अच्छा 3 upon 2 आप इसको जब कंप्लीटिंग करेंगे देखिए ये क्या हो जाता है. ये स्टैंडर्डाइज है. देखिए इसका स्क्वायर ओपन कीजिए. इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही टर्म बनेगी. सर हमने यहाँ पे 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करके 9 अपॉन 4 आया था तो 3 अपॉन 2 क्यों लिया. बच्चे एक चीज बताओ मेरे को जब हम x माइनस a का होल स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें क्या टर्म्स होती हैं. x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर होता है ना. तो ये आपका a स्क्वायर है ये आपका x स्क्वायर है और ये आपका माइनस 2ax है. ओके चलिए एक क्वेश्चन और चेक कर लीजिए. आई थिंक आई विल क्लियर इट. जिन बच्चों को नहीं पता चला इससे जरूर पता चल जाएगा. तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चे. वी कैन डिवाइड द होल टर्म विद 4. तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4 से डिवाइड कीजिए. तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे इट विल कैंसल. तो इट विल कम एज x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x एंड प्लस 3 बाई 4. मैंने आपको सेकेंड स्टेप बताया था टेक द कॉन्स्टेंट साइड ऑन द राइट हैंड. तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x और राइट कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो इट बिकम्स माइनस 3 बाई 4. अब देखते जाइए कैसे होने वाला मेथड. नाउ चेक इट. दिस इज योर टर्म अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 का बच्चे हाफ कीजिए 3 बाई 2. अब इसका स्क्वायर कीजिए. बस ये ट्रिक समझ लीजिए. कंप्लीट हम आपको बाद में करके दिखाएंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस. तो ये हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद 3 बाई 4. अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे एडिंग 3 बाई 4 ऑन बोथ साइड्स. ओके तो 3 बाई 4 को आप बोथ साइड्स में एड कीजिए. दिस वन एंड दिस वन. और इसमें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये हो गया कैंसल्ड. ओके और यहां पे क्या आया एक्स. अब देखिए इसमें क्या आता है. सेकेंड टर्म का साइन देखिए क्या है प्लस तो प्लस आएगा. अगर सेकेंड टर्म का साइन होता माइनस तो वहां पे माइनस आता है. अब आपने किसका स्क्वायर ऐड किया था अंडर रूट 3 बाई 2 का. ये हो गया होल स्क्वायर. ये स्टेप किया ही इस तरह से जाता है कि ये टू टर्म्स का होल स्क्वायर हो जाए. होल स्क्वायर हो गया और राइट हैंड साइड में किसके इक्वल है जीरो के. तो व्हाट वी कैन से एक्स प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0. अगर ये कुछ क्वांटिटी होती तो वी कैन राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहां से आपके पास सेम रूट आएंगे एंड यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. ओके और इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं.
completing the square. Okay, Ayam Mishra. Yes. Good morning, sir. Good morning, Ayam. कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? Sir, Delhi से. Okay. Please carry on with your question. Yes, sir. Sir, ये जो question था आपने जो दिया था अभी x square plus 3 root a, root 3 x plus 3. Sir, ये तो a plus b whole square से भी हो जाएगा ना sir? बिल्कुल हो जाएगा. Very good. ये बिल्कुल हो जाएगा. But हर question नहीं होता. अब देखिए अभी आपको यहाँ पे आके पता चल रहा होगा. मैं भी सोच रहा था कि हमने इसको ऐसे क्यों किया. तो यहाँ पे आके तो मेरे को पता चला कि a plus b का whole square है. तो we can do by this that way. अगर आपको पहले ही पता लग जाता तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes, sir. Okay, sir. Okay. सना पंडिता. सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दो. ओके ओके बच्चे, मैंने क्या कहा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो ना तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो यहाँ 4 था तो इसलिए हमने इसको 4 से क्या किया, डिवाइड किया. इसको 4 से क्या किया, डिवाइड किया. ओके एंड एक चीज और देख लीजिए. आप कहेंगे कि सारा आज ही चैप्टर पूरा करवाएंगे. मैं इसी से आपका थर्ड मेथड ड्राइव कर रहा हूं. कौन सा मेथड ड्राइव कर रहा हूं? थर्ड मेथड ड्राइव कर रहा हूं, जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड. और आपको देख के हैरानी होगी बच्चे, इट्स डेवलप्ड इन इंडिया. और इंडिया में डेवलप हुआ है तो इसको हम बोल देते हैं श्रीधर आचार्य मेथड. सर्च कर लीजिएगा गूगल में. बट हमें बताया जाता है जस्ट डिस्क्रिमिनेंट. ओके और ये सबसे अच्छा मेथड है और हम मोस्टली इसको अप्लाई करते हैं. बट इट्स बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो लीजिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर की थ्योरी भी आ जाएगी और आपको नया मेथड भी मिल जाएगा विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मेथड. और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल देते हैं. वेरी गुड. तो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला की. एंड हेयर इज माय क्वेश्चन. सबसे पहले मैं इसको ए से डिवाइड करूंगा. तो हमने इसको ए से डिवाइड किया तो वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एंड प्लस सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू जीरो. अब आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और इस साइड में लिखेंगे माइनस सी अपॉन ए. ओके अब नेक्स्ट क्या होने जाएगा बच्चे? हेयर इज बी अपॉन ए. ये बी अपॉन ए है, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट बी अपॉन टू ए. अब इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड. तो जैसे स्क्वायर ऐड करेंगे तो वी गॉट बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी ऑल्सो एड बी स्क्वायर अपॉन फोर. ओके चेक करते जाइएगा बच्चे. इन दिस मेथड लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगी. कंप्लीटिंग द स्क्वायर होके ये क्या बन जाएगी? एक्स प्लस बी अपॉन टू ए. देखिए जो चीज आपने स्क्वायर की थी दैट एक्स प्लस दैट और एक्स माइनस दैट होल स्क्वायर. राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूं तो आई टेक द एलसीएम फोर ए. हियर यू विल गेट ये आपके पास, सॉरी ये 4a स्क्वायर था तो 4a स्क्वायर तो यू विल गेट माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर. ओके ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी. आगे नेक्स्ट चेक कीजिए बच्चे. तो यू विल गेट, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करके लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a. और हियर कम्स द क्वेश्चन, x प्लस बी अपॉन टू ए. जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, सॉरी स्क्वायर हटाऊंगा तो इस टर्म के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा. ओके अंडर रूट आ गया. और अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के आगे प्लस और क्या आएगा, माइनस भी आएगा. तो व्हाट यू विल गेट, x प्लस बी अपॉन टू ए, ये उसकी डेरिवेशन भी है और ये नेक्स्ट मेथड का
सॉल्यूशंस भी है, बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और नीचे क्या आ गया बच्चे, फोर ए स्क्वायर का आंसर क्या होगा, टू ए, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस बी अपॉन टू ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस। हालांकि अगर आप नहीं चाहते इसको करना तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्टेड है तो यू कैन ड्राइव इट। और ये रहा बच्चे आपके पास मेथड, एक्स इज इक्वल टू टेक द एलसीएम टू ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, और इसका नाम क्या है बच्चे, श्रीधर आचार्य मेथड, ठीक। और इसको हम श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोल देते हैं, नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा नाम आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको कोई बताए ही ना। और ये हमारे पास डेवलप किया गया था 1024 एडी में। ओके, और इसको डेवलप जिसने किया था, दैट इज वैदिक मैथमेटिक्स में ये हमारे पास पार्ट है, ये वाला, ठीक। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं बच्चे, अगर आप किसी फोर का स्क्वायर रूट करोगे तो उसके आगे आप प्लस माइनस टू लगाओगे ना, दैट्स व्हाई। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया तो उसके आगे क्या लगा दिया, प्लस माइनस टू लगा दिया। ओके, और एक चीज और देखिए, मेरे पास अभी किसी ने क्वेश्चन भेजा था, पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जो मैंने आज किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, मैं आपको दिखा रहा हूं उसी मेथड को, अब मैं तीसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। तो लीजिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं इस क्वाड्रेटिक के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो आपको जस्ट क्या करने हैं, कॉफिशियंट कलेक्ट करने हैं, और कॉफिशियंट आप कैसे कलेक्ट करेंगे, a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड c इज इक्वल टू माइनस टेन, और अपने बेसिक इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए इसमें। तो b इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, नाइन, माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है वन, और सी की वैल्यू क्या है माइनस टेन अपॉन टू ए टू, एंड डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा थ्री प्लस माइनस। देखिए ये अंदर जो सॉल्व हो क्या आएगा, 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सेवन डिवाइडेड बाय टू। तो हाउ वी कैन राइट, अब एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव साइन लेंगे तो थ्री प्लस सेवन डिवाइडेड बाय टू आंसर फाइव, नेगेटिव साइन लेंगे तो थ्री माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टू वी गॉट माइनस टू। देखिए फिर से सेम आंसर आया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक, और ये सबसे अच्छा मेथड है, जस्ट कलेक्ट द एबीसी, अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूं अभी। अवंतिका सर, मेरे को सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया जो आपने रूट नाइन माइनस फोर इंटू वन वाला किया सर, ये समझ नहीं आया। ओके, आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया अवंतिका, यस सर। तो मैंने फॉर्मूले में बच्चे देखो, मैंने फॉर्मूले में सब कुछ पुट अप किया, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस थ्री थी तो इट बिकम थ्री, प्लस माइनस का साइन लगाया, फिर मैंने बी स्क्वायर की बी का स्क्वायर किया तो इट बिकम्स नाइन, फिर नेगेटिव का साइन लगाया, फोर लगाया, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ वन थी, सी की वैल्यू यहाँ क्या थी माइनस टेन थी, डिवाइडेड बाई क्या था टू ए, और ए की वैल्यू वन थी। इसको सॉल्व किया तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस टेन इंटू माइनस फोर प्लस फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन, तो अंदर मेरे पास आ गया प्लस माइनस फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई टू, और इसको फिर मैंने आगे सॉल्व कर दिया। ओके, एक चीज इसमें और नोट कीजिएगा बच्चे, आज मेरे पास एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन भेजा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हाउ वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर,
ओके इस इक्वेशन में अभी इस फॉर्मूले में हमने ये चीज ड्राइव की बच्चे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ये हमने फाइंड आउट की। ओके इसमें ना एक बड़ी, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोल दिया जाता है, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको मैथमेटिक्स में डिनोट किया जाता है डी के साथ, यानी वी कैन राइट इट एज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और ये फॉर्मूला आपके पास शॉर्ट फॉर्म में इस नाम ऐसे भी लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए। ओके तो क्या होता है, मैथमेटिक्स ये कहता है कि बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन चेक द वैल्यू ऑफ डी, डी की क्या कीजिए वैल्यू चेक कीजिए विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो आपको डी थ्री काइंड की वैल्यूज देगा, आइदर डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होगा और डी इज लेस देन जीरो। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इन द कमिंग डेज। ठीक, अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट रियल भी होंगे एंड डिफरेंट भी होंगे, यानी दो अलग अलग रूट आएंगे आपके पास। और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो रूट्स आर नॉट रियल, यानी हम उनको फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। अब इस केस में आइए, जिस बच्चे ने मेरे को ये क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें सबसे पहले मैं रूट को चेक करता। ओके तो रूट को चेक करूंगा, तो हेयर इफ आई कलेक्ट ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। तो जैसे मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं तो डी की वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, तो वी गॉट वन माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस थ्री। और आप सब जानते हैं कि यहां तो डी इज लेस देन क्या हो गया जीरो हो गया, और डी इज लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स रियल नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। तो आप ये चीज देखिएगा कि बिफोर अप्लाई फैक्टराइजेशन बिफोर अप्लाइंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप ये चीज तो जरूर चेक कर ले कि वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट, अगर रियल हो तो आगे मूव करें अदरवाइज वहीं पर छोड़ दें उसको। गॉट इट, नाउ विल टेक द क्वेश्चंस। यस बरखान। यस सर, वहां पे मुझे ऊपर समझ नहीं आया आपने प्लस माइनस क्यों दिया। कहां पे बच्चे बोलो सर, ऊपर क्वेश्चन में सर ऊपर यहाँ पे सर प्लस माइनस रूट जब खुला तब आपने प्लस माइनस किया। पहले तो सभी को अपना सिटी बताओ सर। श्रीनगर। ओके और टेम्परेचर कुछ ठंडा है या गर्म है अभी? सर यहाँ पर ठंडा ही कूल टेम्परेचर है, वार्म है ना उतना गर्म है ना ठंडा है। ओके चलिए एक चीज बताओ, व्हेन वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो आप एक्स की वैल्यू क्या लिखते हो? अंडर रूट 9। अंडर रूट 9, उसके बाद आप अंडर रूट 9 की वैल्यूज क्या लिखते हो? अंडर रूट 9 की वैल्यू फिर सर अंडर रूट 9 एक्स में पुट कर देंगे। नहीं, अंडर रूट 9 की कोई वैल्यू होती है ना? 3। ओनली 3? यस सर। प्लस 3 भी होती है माइनस 3 भी होती है बच्चे, आप देखो क्यों माइनस 3 भी हो सकती है। तो फिर मैंने वही तो किया बच्चे, ये देखो ये इसका होल स्क्वायर था, यानी आप इस पूरे को एक्स सपोज करो, अब जब मैंने इसका होल स्क्वायर हटाया तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू थी उसके ऊपर मैंने अंडर रूट डाल दिया, और अंडर रूट डालने के बाद आगे फिर मेरे को क्या डालना पड़ेगा प्लस माइनस ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यस सर समझ आ गया। ओके हाँ जी, तो बच्चे आज जो हमने किया मैंने काफी ऑलमोस्ट चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया, तो मैं जल्दी से इसको रिवाइज करूंगा। क्या क्या कर दिया हमने, सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन ट्राई किया। ओके फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं अभी, उसके बाद हमने सेकेंड मेथड किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और फिर हमने उसके थर्ड बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर को जो हमारा श्रीधर आचार्य मेथड है
और या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल देते हो, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हो, उसी से वो ड्राइव किया। और फिर इसके बाद हमने ये चेक किया कि हाउ वी कैन चेक द कंडीशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। एनीबॉडी?